एंड uh, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आते तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे मेरे को तो बातें करना बहुत पसंद है मेरे को कंपनी में रहना लोगों की बहुत पसंद है तुम्हें मेरे क्वेश्चन uh, को आंसर करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें नहीं रहना है यार तो तुम जा सकते हो गेट खुले हुए हैं डेरी कहते हैं हाँ मगर फिर मिस्टर लैम इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देते हैं देखो मेरे पीछे वहाँ पे जो वो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर बीज हैं कुछ लोग कहते हैं कि जब मधुमक्खियाँ जो बीज जो हम करती है एक तरीके से लोग कहते हैं कि वो बज है जैसे कहते हैं बीज की बजिंग बोला जाता है उनके अफाज को अच्छा नहीं माना जाता है बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हम बट अगर तुम बहुत देर तक बीज को सुनोगे तो वो हम करते हैं हम एक म्यूजिकल टाइप की साउंड हो गई और बज होती है थोड़ा इरीटेटिंग साउंड हम हो गए थोड़ा हम बस, अच्छी साउंड तो मिस्टर लैम को वो बीज की बजिंग भी अच्छी लगती है वो कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक चीज़ों को देखने का अपना नजरिया होता है कि एक इंसान के लिए वो 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 मधुमक्खियाँ जो बजिंग कर रही हैं वो इरीटेटिंग हो सकता है बट मेरे लिए जब मैं उसे ध्यान से सुनता हूं तो मुझे एक गाना लगता है तो ब्यूटी लाइज इन द द ऑफ ऑफ काइंड थिंग डेरी को समझा रहे थे तो डेरी कहता है बट आई लाइक इट हेयर तो इसलिए मैं आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि यहां पर कोई नहीं है एंड ऑल दैट ठीक है तो यही वाले के ऊपर हमारा क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है लिस्ट द प्ले राइट पर्पज ऑफ यूजिंग एलिप्सिस इन द एक्सट्रैक्ट ये जो एलिप्सिस यूज हुए हैं ये डॉट 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 बट आई लाइक इट हेयर ऐसे बोला ये डेरी बिकॉज आई लाइक डिट डैश फिर लिखा हुआ है और यहाँ दे हम क्या आगे डॉट 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 लगे हैं ये क्या मतलब है इन या कहते हैं क्यों यूज़ करे गए हैं तो ये बेसिकली गए पॉज शो करने के लिए कि जब आप बोल रहे हो तो किसी से बात कर रहे हो ऐसे नहीं आप लगातार बोल रहे हो आप दो मिनट रुक भी जाते हो बीच में सोचते हो या सांस लेते हो रुक जाते हो तो ये पॉज शो करने के लिए ये यूज़ करे जाते हैं तो डेरी कहते हैं बट मुझे अच्छा लग रहा है मैं आया यहाँ पर क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मैं ये दीवार कूद के आ गया तो वो बता रहे तो बीच बीच में रुक रहे हैं तो पॉज इंडिकेट करें आप आंसर फॉर्म करके पूरा लिख सकते हो वन लाइन में नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब डेरी एंड मिस्टर लैम इन द एक्सट्रैक्ट इस वाले एक्सट्रैक्ट में डेरी और मिस्टर लैम को आपको एक्सप्रेस करना है डेरी इंट्रोवर्ट मिस्टर लैम फ्रेंडली आंसर ए ही है डेरी इंट्रोवर्ट है उसे लग रहा है कि अरे मुझे तो लगा कोई भी नहीं था इस गार्डन में और मैं आ गया गेट दीवार फान के बट भैया यहाँ तो बैठे हैं ये मिस्टर लैम जो मिस्टर लैम जितने फ्रेंडली उससे बातें करते हैं न जानना ना पहचान उससे बताने उसको कि भाई ये देखो बेटा ये जो ये ये है ना पीछे भी है ये ऐसे मेरे को तो ये लगता है तो वो बहुत फ्रेंडली हुए उसको कंफर्टेबल फील कराना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सनराइजेज मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बीस उनका क्या एटीट्यूड शो कर रहा है ये बीस को लेकर ब्यूटी इज बींग ट्रू टू योर सेल्फ देर इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटी इन इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन में ब्यूटी है ब्यूटी इज़ प्रामिस ऑफ हैप्पीनेस या ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन डिटेल्स तो करेक्ट आंसर है डी वन ब्यूटी ऑन द वर्ल्ड लाइज एंड डिटेल्स क्योंकि उन्होंने क्या कहा जब आप ध्यान से उस गाने को काफ़ी देर तक सुनोगे गाना क्या गाना नहीं बी इसकी बजिंग को देर तक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरीके का हम है वो म्यूजिक है तो वो कहना चाह रहे हैं ध्यान से सुनोगे तो ध्यान इस किसी चीज को आप बारीकी से दे सुन रहे हो गौर कर रहे हो डिटेल्स रिलेटेड टू तो आंसर होगा ये ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड आईज इन डिटेल जब आप किसी इसको डिटेल में ध्यान दोगे किसी चीज़ पे तो उसकी सुंदरता आपको पता चलेगी तो करेक्ट आंसर डी वन डेरी सेज आई केम इन हेयर बिकॉज आई लाइक डिट वॉट वॉज द वन सिग्निफिकेंट थिंग डेरी माइट हैव लुक लाइकड अबाउट द प्लेस आपको क्या लगता है डेरी को वहाँ गार्डन में क्या चीज़ अच्छी लगी होगी तो वह आ गया तो एक ही रीज़न था तो उस कमाने का लाइक like वो यही करा वो गार्डन को क्योंकि उसे लगा उस गार्डन में कोई नहीं होगा वहाँ वो अकेला होगा वहाँ उसको कोई घूर घूर कर नहीं देखेगा जैसे उसके साथ यूजुअली होता है लोग उसे घिर घूर के देखते हैं और उसे पेटी फील करवाते हैं तो उसे लगता है कि इस गार्डन में कोई नहीं है मैं अकेला आऊँगा तो क्यों ना मैं यहाँ जाके थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लूँ तो यही आपको आंसर में फॉर्म करना है ठीक है हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है वट आर यू अफ्रेड ऑफ वट डू यू थिंक ही इज एन ओल्ड मैन विद अ लेग एंड ही लिवज इन हाउस अब मैं फिर से। तो उनकी वो मत जाओ तो वो उनसे पूरी जो है आर्ग्यूमेंट करते क्यों नहीं जाऊंगा जाऊंगा बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे किस को एड्रेस को उन लोगों को जो डेरी को पैटी फील कराते हैं टू तो डेरी के फ्रेंड को या उसकी मदर को करेक्ट आंसर डीवन उसकी मदर को वाई डू यू थिंक वॉट डू यू थिंक ही इज वट इज बींग क्वेश्चन बाई डेरी डेरी क्या कहना चाह रहा है इससे आपको क्या लगता है वो कौन है डेरी क्या कहना चाह रहा है इससे अपनी मदर को एबिलिटी ऑफ मिस्टर लैम ओपिनियन ऑफ मदर अबाउट हर सेल्फ हैप्पीनेस ऑफ हिमसेल्फ या ओपिनियन ऑफ मदर अबाउट लैम तो वो इस समय पे अपनी मदर से मिस्टर लैम के लिए ओपिनियन पूछा है क्या लगता है आपको कैसे है वो तो वो ओपिनियन पूछ रहा है करेक्ट आंसर डी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सेट बाई डेरी अबाउट मिस्टर लैम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेरी ने मिस्टर लैम के लिए नहीं कही लैम इज एन ओल्ड मैन या लैम पुट्स कर्टेन इन हिज हाउस लैम हैज अ टिन लेग लैम लिव्स इन अ बिग हाउस लैम्स हाउस हैज अ फार्म हाउस इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट सेट बाय मिस डेरी अबाउट मिस्टर लैम नॉट सेड तो वन एंड टू थ्री एंड फोर या फिर फोर एंड फाइव या टू एंड फाइव तो टू पे गिवन है कर्टेन इन हाउस ऐसा नहीं था लैम्प तो कर्टेन खुले रखते थे अपने घर के तो ये नहीं कही उसने एंड नेक्स्ट इज द फाइव वन लैम्प हाउस एज अ फार्म हाउस ये भी डेरी ने नहीं कही वो कहता है वो एक ओल्ड मैन है वो टेन लेग वाली बात भी कहता है वो एक बड़े से घर में रहते हैं वो ये भी कहता है बट टू एंड फाइव वाला वो नहीं कहता तो करेक्ट आंसर डी वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गाइस अब हम वेयर इज डेरी व्हेन ही स्पोक दिस लाइन वो अपने घर पे है और अपनी मदर को कहता okay, है तो ये, ये वही एक्सट्रैक्ट चल रहा है बिस्लाम वाला इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं लाइक द प्ले द गिवन एक्सट्रैक्ट इज अ स्टडी इन कंट्रास्ट व्हाट दिस मिस्टर लैम सीक टू डू बाय ब्रिंगिंग अप डिस्टिंक्शन्स ये सब बातें बता के क्या डिस्टिंग क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं कि उसको बता रहे हैं वीड जो है वो ग्रो हो रहे हैं जो वहाँ पे वो मेरे लिए वो इक्वल हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं उसको टू एक्सप्लेन दैट वीड्स आर इंपॉर्टेंट एंड शुड बी वैल्यूड वो वीट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं टू एम्फोसिज दैट डिस्टिंक्शंस आर मेड बाय मैन टू सर्व स्पेसिफिक पर्पज

बट ऐसा नहीं है वो कुछ ऐसी बात नहीं है क्यों हम क्योंकि फ्लावर्स हमें सुंदर लगते हैं फ्रूट्स हम खा लेते हैं तो इसलिए हम उन्हें यूजफुल कह रहे हैं और वीड्स को अनवांटेड कह रहे हैं ये सब हम इंसान के परसेप्शन पे बात है वो भी प्लांट है वो भी प्लांट है ये हमने ये डिफरेंसेस सोसाइटी में क्रिएट करे हैं बाकी तो सब कुछ सेम होता है ना तो आंसर यहाँ पर आएगा सीवन वो ये चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं दैट लेबल्स जो होते हैं जो लेबल हम दे जैसे हमने कुछ प्लांट को वीड कह दिया कुछ को फ्रूट कह दिया कुछ को कुछ कहते हैं हम लेबल्स आर आर्बिट्यरी यानी कि अनफेयर टाइप के होते हैं ये एंड एंसेंशली रिफ्लेक्ट अ कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि लोगों को लाइफ में जो कॉमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग अपने धारणाएं बना लेते हैं और ये बात वो डेयरी को समझाना चाह रहे हैं कि सब कुछ जो है सब सेम होता है ऐसा नहीं है कि तुम तुम अलग हो और मैं अलग हूँ न वी ऑल आर सेम बस ये लोगों का परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का जो हमें डिफरेंट बना देता है तो करेक्ट आंसर इज सेम वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब डेरी स्टोन वैन ही सेज वी आर नॉट द सेम तो आप डेरी के टोन को कैसा बताओगे जब उसने कहा कि नहीं हम बिल्कुल भी सेम नहीं है तो डेरी की टोन कैसी लग रही है जब वो कह रहा है हम सेम नहीं हैं गुस्से में है पॉपलेक्स है ग्लूमी या प्रैक्टिकल है ग्लूमी है वो इस समय पे करेक्ट आंसर सी वन नेक्स्ट लुक एट द गिवन इमेजेस ऑफ बुक्स इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर यू नॉट लाइकली टू फाइंड फाइन लैम्स वर्ड्स एज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट वन एंड थ्री वन एंड फोर सेकेंड एंड फोर्थ या सेकेंड एंड थर्ड तो गाइज ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से सॉल्व करो देखो इन इमेजेस को और देन टेल मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ठीक है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिस्टर लैम्स एनालिसिस ऑफ फ्लावर्स एंड वीड क्या वो बताना चाह रहे हैं कंपेरिजन इज एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सेल्फ इफ यू हैव अ गार्डन इन योर लाइब्रेरी एवरीथिंग विल बी कंप्लीट वन मैं फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैंस टेररिस्ट या द कॉस्मोस इन इन वेदनास वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ क्या कहना चाह रहे हैं गाइस वो कि वो कह रहे हैं कि किस लोगों के लिए वीड होगा मेरे लिए तो सिंपल फ्लावर है तो करेक्ट आंसर होगा सी वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मेन्स टेरेटरिस्ट करेक्ट आंसर होगा वन mm -hmm. वो ये कहना चाह रहे एक इंसान के लिए कोई इंसान फ्रीडम फाइटर हो सकता है वही इंसान दूसरों के लिए टेररिस्ट होगा जैसे वो चीज़ वो अनवांटेड प्लांट वेट के लिए कह रहे हैं किसी के लिए वो अनवांटेड होंगे मेरे लिए वो भी यूज़फुल है मैं उनको भी उन्हीं नज़रों से देखता हूँ जैसे प्लांट्स को देखता हूँ बाकी फ्रूट्स वाले प्लांट को देखता हूँ बाकी जैसे मैं फ़्लावर्स को देखता हूँ तो करेक्ट आंसर सीवन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हाइस डेरी वॉट डू यू डू ऑल डे पूछता है वो मिस्टर मैम से तो वो कहते हैं मैं धूप में बैठता हूँ किताबें पढ़ता हूँ और घर में तो मैं बिहार से लग रहा होगा खा लिया बहुत भरा हुआ मेरा घर बहुत बुक्स है वहाँ पे एन ऑल दैट ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं और मैं कर्टेन इसलिए नहीं लगाता हूँ वो बताते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइट आना और मुझे चीज़ों को बंद करना पसंद नहीं है और डेरी फिर अपने पास से बताना शुरू कर देता है तो यहाँ पर डेरी थोड़ा ओपन अप होना शुरू होता है मिस्टर मैम के साथ वो कहते हैं मुझे बारिश बहुत पसंद है मुझे अच्छा लगता है कि बारिश की आवाज़ें जब आती हैं छत के ऊपर तो यहाँ पे मिस सलैम को दिखाई देते हैं कि डेरी अपनी लाइफ को बिल्कुल जीना उसने छोड़ा नहीं है उसे भी बारिश को सुना पसंद है जैसे नॉर्मल इंसानों को पसंद होता है और फिर डेरी अपनी लाइफ की और बातें मिस स्लैम को बताता है कि मेरे बारे में वो नीचे बात करते हैं डाउन स्टे मतलब तो नीचे सब घर में लोग मेरे पे बात करते हैं और कहते हैं कि क्या करेगा ये हमारे बिना ऑल दैट इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिस चलैम वॉट इज द आइडिया ऑफ बींग लॉस्ट सिग्नीफाइड देखो उन्होंने लॉस्ट यहाँ यूज़ करा था जब उन्होंने डेरी को कहा देखो बेटा तुम लॉस्ट नहीं हो कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम इस सब चीज़ों में खो गए हो अपने एक्सीडेंट के बाद से नो no, तुम लाइफ को एन्जॉय करो तुम जीते भी हो तो उनका लॉस कहने का मतलब क्या था यहाँ पे ही हु डज नॉट हीयर वॉट पीपल से इज लॉस्ट ही हु डज नॉट अप्रिशिएट मैन एंड नेचर इज लॉस्ट ही हु डज नॉट पॉज टू रिफ्लेक्ट ऑन विंड एंड रेन इज लॉस्ट ही हु इज क्लोज ऑफ टू नेचर एंड इट्स वंडर्स इज लॉस्ट तो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा डी वन वो ये कहना चाह रहे हैं देखो तुम नेचर को तो तुमने क्लोज नहीं कर रखा है ना तुम नेचर के वंडर्स को देख पा रहे हो सुन पा रहे हो समझ पा रहे हो तो वो एक तरीके से उसे कहना चाहते हैं कि यू आर अलाइव यू आर स्टिल अलाइव ये इस एक्सीडेंट के बाद से तुम्हें अभी भी तुम्हें जो है तुम चीज़ों को पसंद करो तुम नेचर को इतना पसंद कर रहे हो तो वो उसको इम्पॉर्टेंस लाइफ की दिखाना चाह रहे हैं है यहाँ पे कि वो जो है लोगों की बातों पे ध्यान ना दे और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखते क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ डेरी इमोशन इन दब एक्स्ट्राक्ट डेरी के इमोशन कैसे थे पहले वो Uh, पूछते हैं आप क्या करते हो पूरा दिन फिर वो जो है डिलाइटफुल uh, uh, होता है थोड़ा सा बताते हैं उनको कि अच्छा मैं भी ना रूफ पे आवाजें सुनता हूँ और फिर वो जाते जाते एंड ऑफ द हमारे पैराग्राफ में क्या कहता है कि मेरे बारे में ना वो नीचे बात करते हैं तो परेशान हो जाता है तो करेक्ट आंसर सीवन होगा स्टार्टिंग में वो क्यूरियस होता है नेक्स्ट वो डिलाइट होता है और फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है करेक्ट आंसर सी सब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर वेन एम नॉट देयर वट ही विल एवर डू वॉट्स गोइंग टू हैपन टू हम वैन वी हैव गॉन हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये वो एक्स्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप सोच सकते हो कि आ, डेरी बताते हैं कि मेरे घर वाले मेरे बारे में सोचते हैं मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा क्योंकि मेरा बॉन्ड फेस एंड ऑल दैट और मिस्टर लैमो से बताते क्या हुआ था तुम्हारे पे दो हाथ है, है तुम्हारे दो पैर है तुम्हारा इतना अच्छा माइंड है तुम चीज़ों को समझते हो क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे हैं वो भी यही सोचते हैं तो देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन वाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम वैन वी हैव गॉन टू हूम वी रेफर्स टू वी किसको रेफर हो रहा है डेरी के फ्रेंड्स को एनिमस को पेरेंट्स को रिलेटिव करेक्ट आंसर पेरेंट्स वट इज द रीजन ऑफ द वरी इज अबाउट डेयरी क्यों लोग डेयरी के लिए इतना परेशान है पीपल एस्टिमेट द डेरी इज ए फ्रेड ऑफ द वर्ल्ड पीपल डू डॉट नो इफ डेरी कैन लिव विदाउट देम पीपल एस्टिमेट दट ओइंग टू हिज फेस डेरी इज नॉट कॉन्फिडेंट या फिर पीपल इमेजिन दैट देर इज नो क्योर फॉर डेरीज है तो करेक्ट आंसर टांस सी है लोगों को लग रहा है कि उसके पेरेंट्स को लग रहा है इस फेस के साथ वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा और इस वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा विद दिस वी हैव सम क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, में जब हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो विद विदा टेक ए